क्लास एट बच्चे चैप्टर मेंसुरेशन टॉपिक वॉल्यूम बच्चे आपने पहले सरफेस टोटल सरफेस एरिया के बारे में पढ़ा है ना, क्यूब का सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया जहाँ लेटर सरफेस एरिया क्या होता है, फिर क्यूबाइड के टोटल सरफेस और कर्व्ड सरफेस एरिया के बारे सॉरी लेटर सरफेस एरिया के बारे में पढ़ा, फिर सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है और उसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है। बच्चे आज जो टॉपिक है वो इनके वॉल्यूम के ऊपर है, ठीक है। तो पहला नंबर क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज अ वॉल्यूम, अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड। बच्चे जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक बोतल है, प्लास्टिक बोतल ले लो चाहे कोई भी बोतल ले लो, उस बोतल में कितना लिक्विड आता है, लिक्विड मीन्स दूध या पानी, कितना उसके बीच में पानी आता है वो उसका वॉल्यूम हो गया। तो अमाउंट जो मात्रा उसमें आ रही है उसको अमाउंट बोलते हैं, अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड। थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, कोई भी थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में कितनी स्पेस ऑक्युपाई करता है, अमाउंट कितना उसके अंदर आता है वो उसका वॉल्यूम कहलाएगा, ठीक है बच्चे। अब वॉल्यूम आपका पता होना चाहिए, जो वॉल्यूम है बच्चे उसका यूनिट क्यूबिक होता है, क्यूबिक जैसे क्यूबिक मीटर। तो बच्चे क्यूबिक मीटर का मतलब क्या हो गया कि आपको सॉरी क्यूबिक मीटर लिख लो या सेंटीमीटर लिख लो, इसका मतलब ये हो गया 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कितनी बार सेंटीमीटर, 3 बार, तो 3 इसकी पावर बन जाएगी तीनों को मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो ये 1 क्यूबिक सेंटीमीटर जो होता है उसे आपने इस तरह से लिखना होता है, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इसी तरह से 1 मीटर क्यूब कैसे लिखेंगे, 1 क्यूबिक मीटर को कैसे लिखेंगे, वो भी ऐसे लिखेंगे, है ना। 1 मीटर और पावर में 3 डाल के क्यूब कहते हैं उसको। अब आपको बच्चे यूनिट चेंज करना आने चाहिए, जब आपके पास 1 क्यूबिक मीटर आप लिख सकते हो 1 मीटर मल्टीप्लाई 1 मीटर मल्टीप्लाई 1 मीटर, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं बच्चे, जल्दी बोलो, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, फिर 1 मीटर की प्लेस पे 100 सेंटीमीटर लिखेंगे, फिर 1 मीटर की प्लेस पे 100 सेंटीमीटर लिखेंगे, तो कितने 2 प्लस 2 प्लस 2 6, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरोस आके ये सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 मीटर क्यूब में हाउ मेनी सेंटीमीटर क्यूब बचे, 1 2 3 4 5 6 0 और 1 लगा के ये इसका आंसर होगा, ठीक है बच्चे। ये आपको यूनिट्स जो हैं, यूनिट्स कैसे चेंज करने हैं ये आपने इस टॉपिक में सीखना है और क्वेश्चन में फिर अप्लाई करना है। अब आपको रिलेशन याद रखना है, रिलेशन किसके बीच में रिलेशन याद रखने हैं, बिटवीन लीटर्स एंड सेंटीमीटर क्यूब, बच्चे ये याद रखना, लीटर का सेंटीमीटर क्यूब में क्या रिलेशन है बच्चे याद रखना है, 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू आपके पास 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब, आप अभी मैंने बताया कि जब आपकी लेंथ भी 1 सेंटीमीटर होगी, ब्रेथ भी 1 सेंटीमीटर होगी और हाइट भी 1 सेंटीमीटर होगी, तो तब ये जो लीटर में जब आप कन्वर्ट करोगे वो 1 मिलीलीटर होगा, 1 मिलीलीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, और 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब कि 1 सेंटीमीटर लेंथ, 1 सेंटीमीटर ब्रेथ और 1 सेंटीमीटर हाइट, ठीक है। 1 लीटर में अब आपको अब इधर से ही लीटर निकलेगा, ध्यान दो इधर कि थाउजेंड सेंटीमीटर क्यूब जो होगा वो 1 लीटर के इक्वल होगा, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब को आप कैसे लिख सकते हो, 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 1 सॉरी 10 सेंटीमीटर, जब आपकी लेंथ भी 10 सेंटीमीटर होगी, ब्रेथ भी 10 सेंटीमीटर होगी
और हाइट भी 10 सेंटीमीटर होगी, तब जो लिक्विड उसमें आएगा लीटर में यदि हमें कन्वर्ट करना होगा वो 1 लीटर के इक्वल होगा। बच्चे ये रिलेशन आपने याद रखने हैं कि किस तरह से सेंटीमीटर को क्यूब को कैसे हम लीटर में कन्वर्ट करते हैं। और 1 मीटर क्यूब में हाउ मेनी लीटर्स, तो आपने बच्चे याद रखना है 1, 2 और 3, कितने जीरोस आगे आपके पास, देखो 100 100 100, 1 मीटर क्यूब में एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, चलो ऐसे ऐसे बताते हैं आप। 1 मीटर क्यूब को आप कैसे लिख सकते हो, 1 मीटर मल्टीप्लाई 1 मीटर मल्टीप्लाई 1 मीटर, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं बच्चे, 100 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर, ठीक है। और कितने जीरोस आ गया आपके पास, 6, और ये क्या आ गया, सेंटीमीटर क्यूब। और इसमें से आपको ये 3, अब ये 3 यदि आप सेंटीमीटर के क्यूब के साथ लगा दोगे, चलो इसके फैक्टर बना, आपने इसे 1000 मल्टीप्लाई 1000 लिख सकते हो, नहीं जब 6 जीरो हैं तो 3 जीरो अलग लिखो, 3 जीरो अलग लिखो और उन दोनों के साथ 1 1 अलग दे दो, ये आपका सेंटीमीटर क्यूब का क्यूब आ रहा है ना। और अभी आपने पढ़ा, क्या पढ़ा, कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो हैं, अभी पढ़ रहे हो आप 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1 लीटर के इक्वल होते हैं, तो इसकी प्लेस के ऊपर आ गया 1 लीटर मल्टीप्लाई और 1000 का 1000 डाल, 1000 को 1 के साथ कर, 1000 लीटर होता है जब आपके पास वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब होगा। तो बच्चे ये यूनिट जो हैं ये आपने याद रखने हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है, अब आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूब के बारे में पढ़ना है, उसका फार्मूला याद रखना है, फिर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है उसका फार्मूला याद रखना है, और फिर सिलेंडर का वॉल्यूम का फार्मूला भी याद रखना है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, बच्चे लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड है। और आपको पता है क्यूबाइड का जो बेस होता है वो लेंथ इनटू ब्रेथ होती है, और एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट भी कह सकते हो, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा बच्चे, वो क्या होगा जी, इधर भी लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट होती है, लेकिन आपको पता है क्यूब में जो है वो तीनों की तीनों लेंथ ब्रेथ हाइट सेम होती है, तो आप सिंपली l इनटू l लिख के और l का क्यूब आ जाएगा, और l को आप साइड भी बोल सकते हो, जो भी आपको मेजरमेंट दिया गया होगा साइड का, साइड क्यूब जो होता है वो वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है वो याद रखना। इसी तरह से वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वो भी याद रखने हैं, वो क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बच्चे, बेस पाई आर स्क्वायर, बेस क्या होता है सिलेंडर का, बेस क्या होता है सर्कल, तो सर्कल का एरिया किसके बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, और उसको हाइट जो उसका सिलेंडर की हाइट है मल्टीप्लाई कर दो, तो पाई आर स्क्वायर एच जो है बच्चे वो सिलेंडर का वॉल्यूम होगा। आप इसको एरिया बेस भी बोल सकते हो, पाई को पाई आर स्क्वायर को आप एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट बोल दो। तो बच्चे ये फार्मूले हैं, आपने इन फार्मूलों को याद रखना है, और फिर आपने एग्जाम्पल जो हैं एग्जाम्पल फाइंड आउट करनी, ठीक है। अब एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, सभी बच्चे बुक से एग्जाम्पल पढ़ेंगे, जिस भी एग्जाम्पल की कोई प्रॉब्लम आएगी तो बच्चे आप पूछेंगे, ठीक है, फिर हम एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू बच्चे, थैंक यू ऑल ऑफ यू।